हाँ जी दोस्तों तुहाडा स्वागत है उत्तम खेड कबड्डी चैनल दे विच। दोस्तों पहला तो असी नैशनल कबड्डी एसोसीएशन ऑफ कनेडा दा उत्तम खेड कबड्डी दी पूरी टीम वालों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मैनू इस साल इस कनेडा सद के कवरेज करन दा मौका दिता। तो अज आपां इस वीडियो विच गल करांगे 5 अगस्त 2023 नूं कैलगरी विच करवाए गए कबड्डी टूर्नामेंट बारे। 5 अगस्त 2023 मॉडर्न वैली स्पोर्ट्स क्लब वालों 13वां कबड्डी टूर्नामेंट करवाया गया जिस विच नैशनल कबड्डी एसोसीएशन ऑफ कनेडा दियां 6 टीमां दे 7 मैच करवाए गए। ये कबड्डी टूर्नामेंट मॉडर्न वैली स्पोर्ट्स क्लब दे मैंबर जगराज बराड, नवी धालीवाल, पम्मा शेख दौलत, पम्मा रणसी खुरद बिल्ला, मनसूरवाल वेट, शिंदा अचरवाल, राज बदनी, तरसेम सिंह गिल, पूमा बनवैत, जसप्रीत सिंह, बब्बू माणूके, लखविंदर संधु अते समूह क्लब मैंबरां दी देखरेख हेठ कबड्डी टूर्नामेंट करवाया गया। इस टूर्नामेंट विच 6 टीमां दे करवाए 7 मैचां विच धावियां ने कुल 512 कबड्डियां पा के 385 अंक हासिल किए अते जाफियां ने 123 जफ्फे लाए जबकि 4 अंक कामन रहे। पहला मैच यूथ कबड्डी क्लब कनेडा ते सरी स्पोर्ट्स क्लब दियां टीमां विचकार करवाया गया। यह मैच 4 अंकां दे फर्क नाल सरी स्पोर्ट्स क्लब दी टीम ने जित के सैमीफाइनल विच प्रवेश किया। दूजा मैच हरजीत बाजा खाना कबड्डी क्लब सरी अते एबी स्पोर्ट्स क्लब दियां टीमां विचकार करवाया गया। यह मैच एबी स्पोर्ट्स क्लब दी टीम ने जित के सैमीफाइनल विच प्रवेश किया। तीजा मैच यूथ कबड्डी क्लब कनेडा अते यंग स्पोर्ट्स क्लब दियां टीमां विचकार करवाया गया। यह मैच यंग रॉयल किंग दी टीम ने जित के सैमीफाइनल विच प्रवेश किया। चौथा मैच पंजाब स्पोर्ट्स क्लब अते हरजीत बाजा खाना कबड्डी क्लब दियां टीमां विचकार करवाया गया। यह मैच हरजीत बाजा खाना कबड्डी क्लब दी टीम ने जित के सैमीफाइनल विच प्रवेश किया। पहला सैमीफाइनल मैच यंग रॉयल किंग कबड्डी क्लब अते एबी स्पोर्ट्स क्लब दियां टीमां विचकार करवाया गया। इस मैच विच यंग रॉयल किंग दी टीम दे वल्लों गुरलाल सोल ने 14 कबड्डियां पा के 13 अंक, बिका छत्तर ने 11 कबड्डियां पा के 10 अंक, निर्मल लोपोके ने 6 कबड्डियां पा के 5 अंक, रेशम यामा राय ने 4 कबड्डियां पा के 3 अंक प्राप्त किए। गुरदास बाकीपुर ने 3 कबड्डियां पाईया पर अंक लैण विच कामयाब नहीं हो सकया। एबी स्पोर्ट्स क्लब दे जाफियां दी गल करिए तां बिल्ला ढोडे, गोपी मानकी ने 2-2 जफ्फे, अमृत बरसालपुर, सोना बांदर डोड़ अते सीपा थांदेआल ने 1-1 जफ्फा लाया। दूजे पासे एबी स्पोर्ट्स दी टीम दे वल्लों योधा कास ने 10 नॉन स्टॉप कबड्डियां पाईया, मलिक जाका ने 10 कबड्डियां पा के 6 अंक, गगन थांदेआल ने 7 कबड्डियां पा के 5 अंक, काका नगला ने 8 कबड्डियां पा के 3 अंक अते ज्योति अकालगढ़ ने 3 कबड्डियां पा के 2 अंक प्राप्त किए। रॉयल किंग क्लब दे जाफी अरस चोला साहब ने शानदार 6 जफ्फे, शीरा धूरकोट, पाला जोगियाल ने 2-2 जफ्फे, बिक्की हरीके अते सचिन गांगुली ने 1-1 जफ्फा ला के यह मैच 10 अंकों के फर्क नाल यंग रॉयल किंग दी टीम ने जित के फाइनल विच प्रवेश किया। दूजा सैमीफाइनल मैच सरी स्पोर्ट्स क्लब अते हरजीत बाजा खाना कबड्डी क्लब दियां टीमां विचकार करवाया गया। सरी स्पोर्ट्स क्लब दी टीम दे वल्लों जोता महमदवाल ने 8 कबड्डियां पा के 7 अंक, हनी पंडित ने 8 कबड्डियां, जशन आलमगीर, जस्सा परशुरामपुर अते हैप्पी कोट भाई ने 7-7 कबड्डियां पा के 6-6 अंक प्राप्त किए। हरजीत बाजा खाना क्लब दे जाफी तनवीर तलवंडी राय ने अते गोला संधवा ने 2-2 जफ्फे, एकम मीरपुर अते पूरा जगमाल वाली ने 1-1 जफ्फा लाया। दूजे पासे हरजीत बाजा खाना क्लब दे वल्लों धावियां ने अनु बुड्ढा ते ने 11 कबड्डियां पा के 9 अंक, अर्श बरसालपुर ने 10 कबड्डियां पा के 8 अंक, गोपी रायकोट ने 8 कबड्डियां पा के 4 अंक, दीपा खाई ने 4 कबड्डियां पा के 2 अंक, महत्ता बोलिया ने 5 कबड्डियां पा के
एक अंक प्राप्त किया। सरी स्पोर्ट्स क्लब के जाफी मनिंदर चक्की ने 5 जफे, प्रताप कड़ियाणा ने 3 जफे, गुरविंदर घांगा, अमन सुनियारा, तलवंडी चौधरिया और लैमली महमदवाल ने 2-2 जफे ला के ये मैच सरी स्पोर्ट्स क्लब की टीम ने जित के फाइनल विच प्रवेश किया। फाइनल मैच सरी स्पोर्ट्स क्लब और यंग रॉयल किंग दी टीमों विचकार करवाया गया। सरी स्पोर्ट्स क्लब की टीम के वलों जोता महमदवाल ने 15 कबड्डियां पा के 12 अंक प्राप्त किए। उसनू शीरा धूरकोट, सचिन गांगली और अर्श जोला साहब ने एक एक जफा लाया। जशन आलमगीर ने 11 कबड्डियां पा के 10 अंक प्राप्त किए। उसनू अर्श चोला साहब ने एक जफा लाया। हनी पंडित ने 12 कबड्डियां पा के 11 अंक प्राप्त किए। उसनू अर्श चोला साहब ने एक जफा लाया। हैप्पी कोटभाई ने 3 कबड्डियां पा के 1 अंक प्राप्त किया। उसनू विक्की हरीके अते अर्श चोला साहब ने एक एक जफा लाया। जग्गू सैदोवाल ने 4 कबड्डियां पा के 1 अंक प्राप्त किया। उसकी पहली कबड्डी से जग्गू सैदोवाल का पैर बाहरी लैंड नू टच होण कारण अंक जाफियां नू दिता। उसनू विक्की हरीके अते अर्श चोला साहब ने उसनू एक एक जफा होर लाया। जस्सा परसरामपुर की एक कबड्डी नू अर्श चोला साहब ने जफे विच बदल दिता। दूजे पासे यंग रॉयल की टीम के वलों गुरलाल सोहल ने 21 कबड्डियां पा के 20 अंक, विका छात्र ने 12 कबड्डियां पा के 10 अंक, निर्मल लोपोगे ने 8 कबड्डियां पा के 6 अंक, रेशम जामा राय ने 3 कबड्डियां पा के 1 अंक प्राप्त किया। गुरदास बाकीपुर ने 2 कबड्डियां पाइया पर अंक लैण विच कामयाब नहीं हो सकिया। सरी स्पोर्ट्स क्लब के जाफियां की गल करिए तो गुरविंदर घांगा और मनिंदर चक्की ने 3-3 जफे, प्रताप कड़ियाणा ने 2 जफे और अमन सुनियारा, तलवंडी चौधरिया ने 1 जफा लाया पर टीम नू जित नहीं दवा सके। ये मैच सिर्फ 4 अंकों के फर्क नाल यंग रॉयल किंग की टीम ने जित के कैलगरी के इस 13वें कबड्डी टूरनामेंट की चैंपियन टीम बनन का माण प्राप्त किया। इस कबड्डी कप के फाइनल मैच विच यंग क्लब के धावी गुरलाल सोहल ने सब तो वध 21 कबड्डियां पा के 20 अंक हासिल किए। इसलिए उसनू इस कबड्डी कप का वधिया धावी। इस टीम के जाफी अर्श चोला साहब ने 9 बार कोशिश करके सब तो वध 6 जफे लाए। इसलिए उसनू इस कबड्डी कप का वधिया जाफी चुन के विशेष तौर पर सन्मानित किया गया। दोस्तों जेकर इस कबड्डी कप की ओवरऑल गल करिए इस कबड्डी टूरनामेंट विच पूरे टूरनामेंट विच सब तो वध कबड्डियां गुरलाल सोहल ने पाइया, जिसने 44 कबड्डियां पा के 42 अंक हासिल किए। दोस्तों इस टूरनामेंट विच सब तो वध जफे लाने वाले जाफियां की गल करिए अर्श चोला साहब ने 23 बार कोशिश करके इस टूरनामेंट विच सब तो वध 15 जफे लाए। हाँ जी दोस्तों, तुहानू ये जानकारी किदां लगी सानू लाइक कमेंट करके जरूर दस्यो। आने वाले कबड्डी टूरनामेंट की जानकारी भी तुहानू इस उत्तम खेड कबड्डी चैनल के उत्ते मिल जाएगी। जिहड़े मेरे वीरां ने चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया चैनल नू जरूर सबसक्राइब कर लैणा। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।